हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सामने हमारे ऑल न्यू 2023 मॉडल महिंद्रा थार, और ये इसका LX वेरिएंट है जो कि डीजल में आता है 1.5 लीटर के इंजन के साथ। तो आज की वीडियो हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस कार के बारे में, क्या क्या हमें फीचर्स मिल रहे हैं। और ये RWD है, मतलब कि रियर व्हील ड्राइव रहने वाला है, तो जो कि हाल ही में महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम इस महिंद्रा थार को रिव्यू करने वाले हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्या क्या मिलता है हमें इस कार में। सबसे पहले तो फ्रंट प्रोफाइल देखें तो सेम ही है, बहुत ही बोल्ड लुक आता है निकल के। तो इस कार में हमें यहाँ पर बम्पर जो है वो फाइबर का मिलेगा, यहाँ पर हमें थार की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर रेडिएटर सामने से बिल्कुल ही क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो आप ग्रिल दिख रहे हैं ये चीज़ भी हार्ड फाइबर रहने वाली, और यहाँ पर देख सकते हैं महिंद्रा की बैजिंग की हुई है। फ्रंट में हमें हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें इंडिकेटर लाइट वो भी बल्ब में मिलने वाला है। फॉग लैम्प मिल जाती है यहाँ पर नीचे, जिसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है, और ये भी बल्ब का रहने वाला है। तो फ्रंट से प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी सही लगती है। ब्लैक कलर का है तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। रोड प्रेजेंस इस कार की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं दो बड़े से वाइपर मिल जाते हैं यहाँ पर, और दो वाशर भी दिए गए हैं। बाकी विंड स्क्रीन कुछ इतनी बड़ी रहने वाली है, और ये हार्ड टॉप वेरिएंट है। ये सामने से डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर व्हील आर्च पर हमें बड़ी सी 3D में क्लैडिंग दिख जाती है, और इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है। टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में हमें 18 इंचेस के अलॉय भी मिल जाते हैं, और टायर सेक्शन रहने वाला है 255/65R18। तो ये देख सकते हैं डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं हमें, और रियर में हमें ड्रम ब्रेक मिलेंगे। यहाँ पर भी हमें थार की बैजिंग मिल जाती है 3D में। बाकी ORVM देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इस पर भी थार की बैजिंग मिल रही है। बाकी यहाँ पर हमें फाइबर में मिल जाता है डोर हैंडल। रियर टायर देख सकते हैं कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी हमें ड्रम ब्रेक मिलेंगे, और 18 इंचेस का ही टायर मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा वाइड लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, और यहाँ पर भी हमें क्लैडिंग मिल जाती है। बाकी कुछ ऐसा रहने वाला है सेकंड पैनल। रियर से प्रोफाइल देखें तो कुछ ऐसी रहने वाली, रियर गेट माउंटेड ही हमें स्पेयर व्हील मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ब्रेक लाइट मिल जाती है, बाकी यहाँ पर हमें टेल लैम्प सेटअप मिलता है जो कि हैलोजन बेस्ड रहने वाला है पूरा ही। दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पर हमें, जिनकी प्लेसमेंट कुछ ऐसी रहने वाली है, और यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर भी दिए जा रहे हैं। इस कार के डायमेंशन की बात करें तो ये जो लेंथ देख रहे हैं वो 3985 mm की रहने वाली है, और विड्थ की बात करें जो चौड़ाई है वो मिलेगी आपको 1855 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो 226 mm का रहने वाला है, और ये देख सकते हैं इंजन प्रोटेक्टर भी दिया जा रहा है जो कि काफ़ी सही है, और व्हील बेस मिलने वाला है 2450 mm का। ये चलिए रियर गेट ओपन करके देखते हैं। तो स्पेस कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन डिसेंट सा है, ये देख सकते हैं इतना स्पेस मिलेगा आपको रियर में। बाकी ये ओपन कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ISO फिक्स चाइल्ड सीट सेफ्टी भी मिल जाती है, तो बिल्ड सीट बेल्ट दिख रही है। बाकी 50-50 स्प्लिट सीट रहेंगी। चलिए इसको बंद करते हैं। ये बहुत ही भारी सा फील होता है गेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा टायर मिलता है। ये देखिए टायर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 18 इंचेस का प्रॉपर MRF का अलॉय व्हील मिल जाता है यहाँ पर हमें। चलिए एक बार इंटीरियर दिखाते हैं आपको, तो ये देख सकते हैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली फील, कुछ ज़्यादा सॉफ्ट टच वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ फाइबर का रहने वाला है। यहाँ पर डोर हैंडल दिया जा रहा है, थार की बैजिंग यहाँ पर भी मिल जाती है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है। बाकी यहाँ पर ORVM के मैनुअली एडजस्ट करने के लिए टॉगल दिया जा रहा है, नीचे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अरे भाई ये देख रहे, ये तो महिंद्रा की पहचान ही है। यहाँ पर हमें मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, थोड़ी सी लेदर स्टिचिंग यहाँ पर दिख रही है, बाकी फैब्रिक अपोस्ट्रोफी रहने वाली है। लंबर सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, ये देखिए। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे हमें, चारों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे इसमें। यहाँ पर हमें ग्लॉसी फिनिश के साथ एसी वेंट दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाता है, यहाँ पर हमें कुछ बटन मिल रहे हैं। नीचे की ओर देखें तो ABC पैटर्न में हमें पैडल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें साइड में हमें दो ग्लास होल्डर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस, 6-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया जा रहा है, दो AC वेंट मिल जाते हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ, 7 inches का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया जा रहा है, और यहाँ पर पकड़ने वकड़ने के लिए दिया जाता है। बॉक्स में स्पेस देखें कुछ इतना मिलता है, यहाँ पर स्पीकर दिया जा रहा है, यहाँ पर भी हमें ग्लॉसी फिनिश के साथ AC वेंट दिया जा रहा है, बहुत ही सही है। यहाँ पर भी हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है हमें वाइजर में, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM रहने वाला है।
ड्राइवर साइड वाइजर में हमें कुछ नहीं मिलता है, प्लेन रहने वाला है। सीट की बात करें तो कुछ ऐसी रहने वाली है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा यहाँ पर भी हमें, ये देख सकते हैं, फैब्रिक अपोस्ट्रोफी है, एक बार बैठ कर भी दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें, यहाँ पर कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं एसी के, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें सेंट्रल लॉकिंग का बटन मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, और आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हैजार्ड बटन, सीट बेल्ट वार्निंग के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पर ऑक्स केबल के लिए पोर्ट दिया जा रहा है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। चलिए रियर केबिन में कैसे एंटर करना है वहाँ चलते हैं। तो को पैसेंजर साइड डोर ओपन करिए और यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, ये सीट फोल्ड हो जाएगी, देख सकते हैं, इसको प्रेस करिए और आराम से आप जा सकते हैं। फिर आपकी हाइट अगर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी किया। इसको एक बार सीधा करें तो ये देखिए लेग रूम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेग रूम में। आर्म रेस्ट की बात की जाए तो कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएंगे, सीट बेल्ट मिल जाएंगी। यहाँ पर देख रहे हो, ये फील कराते हैं ऑफ रोडिंग वाली, एक सेकेंड, ये चीज़ देख रहे हो, फील होता है कि हाँ भाई ऑफ रोडिंग व्हीकल है। यहाँ पर प्रॉपर पकड़ने के लिए दिया गया है, और ये थोड़ा टूल किट वगैरह रखी हुई है नीचे। हम पर देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट सा है, तो अगर दो लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं, लेकिन चौड़ाई इतनी है सीट की और कंफर्टेबल इतनी है कि तीन लोग भी आराम से आ जाएंगे इस पर, बहुत ही आराम से। बाकी यहाँ पर लेदर फिनिश, थोड़ी स्ट्रेचिंग मिल जाती है, बाकी फैब्रिक अपोस्ट्रोफी है, तो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा है, इस वजह से थोड़ा लग रहा होगा। और फ्रंट का व्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसा रहने वाला है, हालांकि ये चीज़ में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है निकलने और चढ़ने में, वहाँ थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, फुल कम्फर्टनेस फील होती है। तो महिंद्रा की कोई भी कार ले लो, वहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगी, आप सीट पे जैसे ही बैठेंगे तो किंग साइज फील आती है, क्योंकि बोनेट की विजिबिलिटी प्रॉपर रहती है और हाइट भी अच्छी खासी मिलती है। बाकी हैंडल कुछ ऐसा मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीफोनिक के कंट्रोल हैं और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हैं, बीच में महिंद्रा का लोगो। यहाँ पर हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस असिस्ट का बटन मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर ग्लॉसी फिनिश मिल रही है। बाकी यहाँ पर हमें वाइपर के कंट्रोल दिए जा रहे हैं और यहाँ पर हमें हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, और कुछ ऐसा हॉर्न रहने वाला है इस कार का। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट और केवल टिल्ट ही एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो एक बार की को लगाते हैं, ये देखिए इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले ऑन हो गया है। साउंड सेटिंग ये देख सकते हैं, अपने हिसाब से साउंड एडजस्ट कर पाएंगे आप। बाकी डिस्प्ले सेटिंग यहाँ मिल जाती है, ब्राइटनेस वगैरह, यूनिट्स, यूजर नेम, ये सारी कार इन्फॉर्मेशन भी इसमें देख पाएंगे। कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सब कुछ रहेगा इसमें। और सिस्टम सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर ऑन करें तो कुछ ऐसा देखेगा, इसमें हमें RPM मीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग देखने को मिलेगा, बहुत सारी इंजन चेक लाइट मिल जाएंगी, बाकी सीट बेल्ट वार्निंग ये दे रहा है, फ्यूल गेज मिल जाता है, और ये देखिए टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर हमें कंट्रोल दिए गए हैं, ये देख सकते हैं MID के कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं, ये तो हेडलाइट एडजस्टमेंट के ये दोनों बटन हैं जिनसे आप इस डिस्प्ले को ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिम मीटर वगैरह देखने को मिल रहा है, ऑडोमीटर देखने को मिलेगा, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और ये जो ऑप्शन है ये दिखाता है कि कार का एंगल किस तरफ है, मतलब पूरी फ्लैट एरिया पे खड़ी है या फिर आगे पीछे है, ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। डिस्टेंस टू एम्प्टी मीटर देखने को मिलेगा, तो ये सारे कंट्रोल हमें इसकी MID डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। बाकी क्लॉक वगैरह तो आपको दिख ही रही है, विजिबिलिटी भी काफ़ी सही है, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ आप एडजस्ट कर पाएंगे, और देख सकते हैं बहुत ही सही लगता है। नाइट में इसकी थीम बहुत सही रहने वाली है, इंटीरियर की थीम बहुत सही है, जितना एक्सपेक्ट करोगे आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर भी आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इको सेंस वगैरह है, अलर्ट, DRL की सेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सारी बात हो गई इसके इंटीरियर की। की बात करें तो कुछ ऐसी की मिलने वाली है, दो की मिलेंगी हमें, फ्लिप की रहेंगी, जिसमें हमें लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और फाइंड माय कार का बटन मिल जाता है। तो इसमें ABS, ABD और ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट और सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, TPMS, सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इंजन इमोबिलाइजर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑलरेडी ये 5-star रेटिंग के साथ आती है। अगर इंजन की बात करें तो इसमें हमें, हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया, 1.5 लीटर का D17 CRDE इंजन मिलेगा, जो जनरेट करेगा पावर 116.93 BHP की,
3500 RPM पर और 300 Nm का टॉर्क 1750 RPM पर। तो ये था हमारा रिव्यू वीडियो महिंद्रा थार रियल व्हील ड्राइव को लेके। कैसी लगी ये कार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप शोरूम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।